ओके, स्टैंडर्ड नाइन्थ ज्योमेट्री चैप्टर 3 ट्राइंगल्स प्रैक्टिस 3.3। बिफोर वी स्टार्ट दिस सम्स, नाउ सी द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल। यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर विद द वर्ड आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? वेन एवर यू हैव एनी ट्राइंगल और उसके दो साइड अगर इक्वल है, अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो, और एंगल अपोजिट टू दो साइड मीन्स इफ इट इज़ ए बी एंड सी, सो ए सी के अपोजिट में जो एंगल है और ए बी के अपोजिट में जो एंगल है, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये कब? वेन एवर यू हियर अ वर्ड आइसोसेलस ट्राइंगल। अगर आपको कोई बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स इक्वल है, तो दैट मीन्स ये आइसोसेलस हो गया। क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट साइड भी एक दूसरे से इक्वल होगा। सो सच काइंड ऑफ ट्राइंगल्स आर सेड टू बी आइसोसेलस ट्राइंगल। सो अगर इसका मेजर 50 है तो इनडायरेक्टली दिस इज ऑल्सो 50। और एक ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है तो थर्ड वन हम ऑटोमेटिक ढूंढ सकते हैं। 50 + 50 = 100, 100 = 180 -100 दिस इज 80। तो ये लॉजिक है आइसोसेलस ट्राइंगल का। नाउ सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी। सो नाउ लेट्स सी, अभी देखो, इफ़ यू ऑब्जर्व ओनली वन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ओके, सो यू विल गेट कि देखो बोथ दी स्टैंडिंग साइड्स आर इक्वल, तो दैट मीन्स एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। यानी ये अगर 50 डिग्री है तो एक्स भी 50 डिग्री होगा। सो इनडायरेक्टली वी गॉट द मेजर। सो यहाँ पे लिखेंगे दैट इन ट्राइंगल ए बी सी साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी, ओके, एंड दिस इज गिवन, ओके, सिंबल दिया हुआ है। सो देयरफॉर उनके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी आइसोसेलस ट्राइंगल थियरम, ओके। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, फर्स्ट वाला मिल गया, ओके। नाउ सेकेंड, सिमिलरली दिस बॉटम में जो ट्राइंगल है उसके भी दो स्टैंडिंग साइड्स आर इक्वल। सो इफ दिस इज 60 डिग्री, सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। सो इन ट्राइंगल बी डी सी साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी गिवन, देयरफॉर एंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी सेम आइसोसेलस ट्राइंगल थियरम। रीजन देना पड़ता है वेन एवर यू शो एनीथिंग कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर y degree is equals to 60 degree। सो अल्फाबेट x एंड y हमने ढूंढ लिया। नाउ वॉट दे हैव आस्क्ड, सो उनको ये द होल b एंड होल c का मेजर चाहिए। सो देयरफॉर ए बी डी एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, करेक्ट। ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल मिला के ए बी डी बनता है। सो बोथ एक्स वी गॉट 50 डिग्री एंड दिस वी गॉट 60 डिग्री, सो दैट इज इक्वल्स टू 110 डिग्री एंगल ए बी डी। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट नाउ ए सी, ए सी डी को ढूंढना है। सो
Therefore, angle ACD is equals to ACB plus DCB. So, 50 degree plus 60 degree, that is equals to 110 degree. Okay? Hence, we have find out all the answers. Second question, the length of hypotenuse of a right angle triangle. See, right angle triangle is 15. Find the length of median of its hypotenuse. So, see, diagram is not given, so हमको खुद बनाना है. Yeah, right angle triangle. So, एक triangle बनाएं जो right angle है, 90 degree. Right angle means 90 degree. Now, what they are saying median. Median means जो 90 degree वाला angle है, वहाँ से opposite में एक perpendicular line जाएगा, जो median होगा. Means, hypotenuse को equally divide करेगा. Median. It should not be perpendicular, but hypotenuse को equally divide करेगा. That's why we have marked equal sign. यहाँ पे already equal sign mark कर दिए. Now, what they are saying, find the length of its hypotenuse. So, let triangle ABC. ये एक triangle हो गया ABC. Be the right angle triangle. Okay? क्योंकि वहाँ फिगर नहीं दिया हुआ था, दैट्स वाई वी आर राइटिंग लाइक दिस. एंड मेजर एंगल ए बी सी, बी इज 90 डिग्री. ओके, सो एंड बी डी, ये जो बी डी है, बी डी इज मीडियन ऑन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस क्या है? ए सी. ऑन हाइपोटेनस ए सी. सो दैट फॉर मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, ये जो बी डी होता है ना मीडियन, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी. ये एक मीडियन का फॉर्मूला है, फिक्स फॉर्मूला. दैट इज बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस. तो रीजन लिखना है, इन राइट एंगल द मीडियन इज हाफ of hypotenuse. So therefore BD is equals to half into AC. So AC is how much? 15. उन्होंने दिया था the length of hypotenuse of a right angle triangle is 15. यहाँ पे दिया हुआ है hypotenuse 15. So when we divide 15 को जब हम divide करते हैं तो 2 7 are 14, 1 बचा, सो 2 5 are 10. ओके, सो देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू 7.5. ओके, सेंटीमीटर मीटर नथिंग दे हैव गिवन, तो यूनिट्स. सो बी डी इज इक्वल्स टू 7.5 यूनिट्स. थर्ड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू इज 90 डिग्री. अगेन देयर इज no figure given in textbook, so we have to assume and draw this triangle. So PQR, Q is 90 degree, so yahan pe 90 degree banaya. Then PQ is 12, this part is 12 centimeter and QR is 5. So and QS is a median, this is median. Find QS, iska measure dhoondna hai. Okay, so we know that median formula, hum kya jante hai ki QS jo hai वो पी आर का हाफ होता है. सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस ढूंढ लेंगे. वंस वी गेट द हाइपोटेनस, तो ये हाफ हो जाएगा. सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, मेजर एंगल क्यू 90 डिग्री. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है?
hypotenuse square is equals to side 1 square plus side 2 square. So PR, hypotenuse we don't know, but this 12 square plus 5 square. So 12 are 144, 5 are 25. That equals to 169. PR square. Therefore. So therefore PR equals to, ये जो square है वो यहाँ पर root बन जाएगा. So that is equals to 13. So PR equals to 13. So we got PR, but answer QS ढूंढना है. So therefore QS is a median. So median formula, QS equals to half of hypotenuse PR. So QS equals to half into 13. तो जब हम 13 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 are 12, 1 बचता है डेसिमल, 2 5 are 10. सो देयरफॉर QS इज इक्वल्स टू 6.5 यूनिट्स. जब सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया रहता, वी राइट यूनिट्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. ओके, फोर्थ सम्स. इन एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल PQR. GT is 2.5. Find the length of PG and PT. Now see, ये जो point of congruence, यहाँ पर क्या बोले, G is the point of congruence, means a kind of centroid. Okay, centroid. इसका actual meaning क्या होता है? Whenever you read a word point of congruence or centroid, it means ये जो तीनों line है ना, वो एक median है. And all the three medians pass through one common point. ये ऐसे आड़े तेड़े नहीं जाएंगे, ये common point से ही pass होगा. So ये क्या करते हैं, ये जो median या centroid point of congruence, ये क्या करते हैं, segment को 2 raised to 1 में divide करते हैं. तो what is the meaning of 2 raised to 1? इसका मतलब ये हुआ, if ये जो G है, ये P और T का जो ये G है, if I say दिस इज़ 2, ये इतना सा पार्ट 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला पार्ट उसका डबल होगा, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर, बिकॉज 2:1 में डिवाइड हुआ है. तो नीचे का पार्ट अगर ये 1 है, तो ये डबल होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल यार, दिस साइड, यहाँ पे इफ़ आई से ये GS, हाँ ये GS अगर 4 सेंटीमीटर है, तो ये QG कितना होगा, उसका डबल, 4 2 8. ओके, If I say this GA, GA is 3 सेंटीमीटर, so RG कितना होगा, इसका डबल, 3 2 6. So whenever you read a word point of congruence, so always keep in mind that it is centroid G, और वो हमेशा 2:1 में डिवाइड होता है. So let's solve this sums. So point G is the point of congruence of the median. So in triangle PQR, point G is centroid. Point G is centroid. This is given. Okay? Given. So therefore PG upon GT is equals to 2:1. PG upon GT, 2:1. Reason, you have to write reason. Without reason, you will not get marks. So centroid divides the median in the ratio 2:1. So therefore PG upon GT का वैल्यू कितना दिया है, 2.5 इक्वल्स टू 2/1. सो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट PG इंटू 1, दैट इज़ PG 2 इंटू 2.5, दैट इज़ इक्वल्स टू 5. ओके, ये मिल गया 5 सेंटीमीटर.
सो देयरफॉर अभी पीटी ढूंढना है हमको, पीजी मिल गया और जीटी ऑलरेडी है. सो पीटी, पीटी इज इक्वल्स टू पीजी प्लस जीटी, बिकॉज जी इज बिटवीन पी एंड टी. सो देयरफॉर पीटी इज इक्वल्स टू पीजी. अभी अभी पीजी कितना मिला, 5 सेंटीमीटर, एंड जी टी इज 2.5. सो देयरफॉर पी टी इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट. इफ यू आर लाइक, प्लीज टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स.